हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे हेमामेलिस मदर टिंचर के ऊपर, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो इंटरनल हो रही हो या एक्सटर्नल हो रही हो, हमारे बॉडी के अंदर हो रही हो ब्लीडिंग या फिर हमारी बॉडी के बाहर हो रही हो, उस ब्लीडिंग को रोकने में जो हेमामेलिस मदर टिंचर है बहुत अच्छा मदद करता है। हम इसको लेंगे तो हमारी बॉडी में किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है बहुत जल्दी ये रुक जाएगी। तो मैं कुछ डिसीज बता देती हूँ कि किस कंडीशन में हमें हेमामेलिस मदर टिंचर लेना चाहिए। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, हम जो बच्चे होते हैं तो आपने देखा होगा कि बच्चे जैसे धूप में बाहर जाते हैं तो उनको बहुत जल्दी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। उनको आप देखेंगे कि खेलते खेलते या फिर कहीं भी बाहर गए या बाहर घूम रहे हैं छोटे बच्चे, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ब्लीडिंग होने लगती है। और जो बच्चा है बहुत फास्ट ब्लीडिंग होती है, बच्चा एकदम डर जाता है। तो इस कंडीशन में आप हेमामेलिस मदर टिंचर देंगे तो जो बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है नोज से वो नहीं होगी दोबारा, और बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है ब्लीडिंग के दौरान बच्चे एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो बच्चों की जो ब्लीडिंग है उसको रोकेगी और दोबारा बच्चों को ब्लीडिंग नहीं होगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बहुत अधिक खांसी आती है, और खांसने के दौरान क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको कफ़ निकलता है। जो कफ़ निकलता है तो आपने देखा होगा कि कफ़ कम निकलता है और उसमें ब्लड ज़्यादा निकलता है, कंटिन्यू ब्लड निकलता जाता है, बार बार पेशेंट को खांसी आएगी, खांसी के साथ कफ़ निकलेगा और बहुत ज़्यादा कफ़ के साथ ब्लड निकलेगा। तो इस उस ब्लड को रोकने में जो हेमामेलिस मदर टिंचर है बहुत अच्छा हेल्प करेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वॉमिटिंग। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको बहुत वॉमिटिंग होती है, जब किसी भी कारण से वॉमिटिंग हो सकती है तो उस वॉमिटिंग के दौरान पेशेंट को ब्लड आ रहा है, जो ब्लड आ रहा है तो बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, तो आप हेमामेलिस मदर टिंचर देंगे तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको टाइफाइड हो जाता है, तो टाइफाइड होने के बाद क्या होता है कि पेशेंट की जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है, पेशेंट को फीवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे इंटेस्टाइन में पेशेंट को ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस ब्लीडिंग को भी रोकने में हेमामेलिस जो मदर टिंचर है बहुत अच्छा हेल्प करेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसेंट्री। आपने देखा होगा कि जो पेशेंट होता है, जब पेशेंट को डिसेंट्री होती है तो पेशेंट को क्या होता है कि बहुत दर्द होता है, जब दर्द होता है तो पेशेंट बहुत घबरा जाता है। आपने देखा होगा जब पेशेंट को डिसेंट्री होती है तो डिसेंट्री के साथ म्यूकस आता है, म्यूकस के साथ आपने देखा होगा कि ब्लड आता है मिक्स होके, कई बार ऐसा होता है कि पूरा ब्लड आता है डिसेंट्री में, तो आप इस कंडीशन में हेमामेलिस मदर टिंचर देंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलेगा और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चोट। आपको चोट किसी भी कारण से लग सकती है, किसी भी जैसे आपको कोई भी घाव हो गया या फिर कट गया या एक्सीडेंट के कारण आपको कोई भी चोट लग गई है, जहाँ पे आपको चोट लगी है तो वहाँ से बहुत सारा ब्लड गिर रहा है, बहुत सारा ब्लीडिंग हो रही है, अब वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो कंटिन्यू हो रही है, बिल्कुल रुक नहीं रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या करिए कि जो हेमामेलिस मदर टिंचर है उसको डालिए आप एक कॉटन में, और जहाँ पे आपको ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे आप रख लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ मिनटों में जहाँ पे आपको ब्लीडिंग हो रही थी, जहाँ पे आपको कटा है, तो वहाँ का जो एरिया है वहाँ पे ब्लीडिंग जो आपको हो रही थी एकदम से रुक जाएगी और पेशेंट को जो घाव है धीरे धीरे भर जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हेमामेलिस मदर टिंचर साथ में आप पियेंगे भी लगाएंगे तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंसेस। जो फीमेल्स होती हैं तो आपने देखे होगा कि जो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है वो लगभग 35 ml होती है, लेकिन जो कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको 35 ml से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो इस कंडीशन में भी आप हेमामेलिस मदर टिंचर देंगे तो जो फीमेल है उसको ब्लीडिंग एकदम नॉर्मल होने लगेगी, जितनी होनी चाहिए ज़्यादा नहीं होगी, तो आप हेमामेलिस मदर टिंचर दे सकते हैं, जो फीमेल्स है उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो,
और जो ब्लीडिंग हो रही हो वो आपको रुक नहीं रही हो, चाहे वो आपको एक्सटर्नल हो रही हो चाहे इंटरनल हो रही हो, तो आप इस कंडीशन में हेमामेलिस मदर टिंचर लेंगे तो जो पेशेंट है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी रिकवर होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हेमामेलिस मदर टिंचर, ये देखिए हेमामेलिस मदर टिंचर। इसके आप छोटी बॉयल ले लीजिए, ये बड़ी बॉयल है, तो आप SBL कंपनी या सॉवे कंपनी किसी भी कंपनी की आप हेमामेलिस मदर टिंचर की फाइल ले सकते हैं। आप इसको लीजिए और इसको कंटिन्यू लीजिए, जिससे आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है पूरी तरह से रुक जाए और एकदम आप नॉर्मल हो जाए। इसको लेना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको दिन में 3 बार लेना है, मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट को लेना है। मॉर्निंग में आप जब भी लीजिएगा तो खाली पेट और दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद और नाइट में खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिएगा। इसको आप कंटिन्यू लीजिए, आप पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।